गत 27 और 28 अगस्त को जिले में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से जिले में जनजीवन पूरी तरह से अस्ताव्यस्त हो गया। बाढ़ के कारण किसानों की फसल को जोरदार झटका लगा है। उसी तरह से हजारों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी बहने से घर और घर के पूरे सामान खराब हो गए हैं और कई किसान बेघर हो गए हैं। किसानों की फसल शीघ्र सर्वेक्षण कर उन पर पीड़ित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का नुकसान भरपाई देने की मांग भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से की गई। प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में इस संबंध में तहसीलदार कर्मेश्वर को निवेदन सौंपा गया। बावनकुले के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कर्मेश्वर तहसीलदार सचिन यादव से मिला और उन्हें निवेदन सौंपा। इस अवसर पर भारतीय जनता पक्षी पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव पोद्दार, अरविंद गजबी, अजय बुढ़ारे, रमेश मानकर, इमेश्वर यावलकर, मीना तायवाड़े, किशोर रेवतकर और अन्य उपस्थित थे। तहसील अध्यक्ष दिलीप धोटे, शहर अध्यक्ष धनराज देव के, नगराध्यक्ष स्मृति इखा, मारुति सोमकुवर, प्रमोद हत्ती, प्रगति मंडल, नामदेव वैद्य और अन्य पदाधिकारी इस वक्त उपस्थित थे। तहसील के कई गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अनेक गांव को बाढ़ ने काफी प्रभावित कर दिया। वहां घर और झोपड़ों में बाढ़ का पानी घुस जाने से सब कुछ तबाह हो गया है। नागरिकों के हाल बेहाल हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण कपास सोयाबीन की खड़ी फसल भी अब सड़क पर आ गई है। बताया गया कि मोज़ेक बीमारी के कारण सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो रही है। उसी तरह कपास भी नष्ट होने के कगार पर है। बारिश के कारण सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। नदी के तट से 2 किलोमीटर की दूरी तक फसल बुरी तरह से बर्बाद हो जाने के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ऐसे समय में खेत को नुकसान का त्वरित सर्वेक्षण करना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता की मांग की, जो खराब हुई है। और खराब हुई फसल के संबंध में भी भाजपा ने पीड़ित किसानों को 25,000 रुपये की मदद की मांग भी इस वक्त की। आज भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉक्टर पोद्दार जी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष अरविंद गजबी जी, माननीय रमेश मानकर साहेब, इमलेश्वर यावलकर, दिलीप धोटे, अविनाश खड़कर, अजय बुढ़ारे आणि येथील नगराध्यक्ष, नगरसेविका, भारतीय जनता पक्षाचे सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी, सोयाबीनचं जे नुकसान झालं आहे, कोळ अळीमुळं 90% सोयाबीन उद्ध्वस्त झालं, एकही किलो सोयाबीन होणार नाही अशी परिस्थिती आहे। अतिवृष्टीमुळे इतर पिकाचं नुकसान झालं। मागच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात माननीय उद्धव ठाकरेजी यांनी बांधावर जाऊन 25,000 रुपये एकरी नुकसान भरपाई द्या अशी मागणी केली होती। आमची सेम मागणी तीच आहे की तुम्ही काय जास्त देऊ नका। तुम्ही जेवढं म्हटलं होतं बांधावर जाऊन तेवढंच बांधावर जाऊन देण्याची कारवाई करा। आज सोयाबीन पूर्ण उद्ध्वस्त झाल्यामुळं काही ठिकाणी कापूसही उद्ध्वस्त होतो आहे। नागपूर जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक घरं उद्ध्वस्त झाले आहे। त्यांना अजून खावटी मिळत नाही आहे। ज्याचं घर पूर्ण उद्ध्वस्त झालं त्यांना 2.5 लाख रुपये अशी मागणी आहे। आणि सोयाबीनच्या आणि इतर पिकांच्या नुकसानाचे 50,000 रुपये हेक्टरी त्यांना अनुदान दिलं पाहिजे ही मागणी घेऊन आम्ही आलो आहे। पंचनामे करताना तिथल्या लोकप्रतिनिधींना हजर ठेवलं पाहिजे आणि पंचनाम्यावर प्रत्येक शेतकऱ्याची सही असली पाहिजे ही सूचना देण्याकरता आम्ही आलो आहे। आज या सूचना देण्याकरता आलो। आज कुठल्याही आंदोलनाला आम्ही आलो नाही, कुठल्याही राजकारणाकरता आलो नाही आहे। कुठेही दुपट्टे हार स्वागत देऊ त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलनाच्या भूमिकेत नाही आहोत। सरकारला मदत करण्याच्या भूमिकेमध्ये आहोत। भारतीय जनता पार्टीने ठरवलं आहे, सरकारने योग्य सर्वेक्षण केलं आहे तर आम्ही पॅरलल सर्वेक्षण करणार आहोत। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पॅरलल सर्वेक्षण करतील, पॅरलल पंचनामे करतील आणि सरकारने जर 15 दिवसात निर्णय घेतला नाही तर कळमेश्वर तालुक्यामध्ये जोपर्यंत नुकसान भरपाई भेटत नाही तोपर्यंत आंदोलन करतील असा निर्णय भारतीय जनता पार्टीच्या कळमेश्वर शाखेने घेतला आहे, कळमेश्वर शहराच्या भाजपने घेतला आहे। आणि हे आंदोलन तीव्र होईल जोपर्यंत शेतकऱ्यांना आणि अतिवृष्टीच्या घरमालकांना नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सरकारला सोडणार नाही हा इशारा देण्याकरता आम्ही आलो आहे।